अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं हूँ हसन नचीज, अपने चैनल हसन वर्ल्ड से। ऑलमोस्ट कोई 1 महीने बाद बैक हुआ हूँ। मैं कुछ मसरूफियात में था और अभी फ्री हूँ, तो वापस अपने ब्लॉग पे आ चुका हूँ। अभी देख रहे होंगे हालत, आवाज, सारा कुछ के भाई आंखें खुली हैं लेकिन अंदर वाली आत्मा सोई हुई है। आप सही समझ रहे हैं कि हम रोजा रखने के लिए उठे हुए हैं। आज सारी है तो देख रहे, बहुत गजब की नींद आ रही है मुझे इस टाइम। ऑलमोस्ट टाइम हो गया हुआ है 4:15 का और सारी हमारी 5 बजे तक बंद होने वाली है। उठे हैं, अपने मैंने ब्लॉग की तैयारी करनी थी और सैरी भी रखनी है। चलो आज देखते हैं जी, आज अम्मा जी क्या बना रही हैं। माँ जी आज की बना रहे हो भाई सारी बेटा पराठे हैं। हाँ पराठे दही और दही? आलू वाले लगाना, आमलेट आलू अंडे और आमलेट। बोलो भाई, देसी 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 जो ना वो सीन है सारा। और यही फेवरेट है हमारे हम सबका कि देसी देसी खाने खाए जाए सुबह सुबह और सुकून से रोजा रखा जाए। ये सब करने के बाद हम पढ़ेंगे नमाज और दन कुरान और फिर अपने अपने कामों पे रवाना। चले फिर मिलते हैं। ओ भाई, सारी रख ली हम लोगों ने, लेकिन अभी तक भी ना आंखें खुली हैं, अंदर वाली आत्मा सोई हुई है। उस बेचारी को भी नहीं पता कि हसन उठ चुका हुआ है इतनी जल्दी। बहरहाल अभी हम वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, देन कुरान मजीद पढ़ेंगे और फिर अपने काम पे चले जाएंगे। आज सोने का मूड नहीं है सारी रख के। आज का दिन चेक करने वाला हूँ कि इस तरीके से रूटीन बनाने से क्या होने वाला है। फिर सुबह देखेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे। अब मिलते हैं इफ्तारी के अंदर। लें जी, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग ना इफ्तारी का टाइम ले ही आए हैं। सारा दिन सरवाइव किया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा, नमाजें भी अदा की सारी की। और ये घर आए हैं तो ये बंदर मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गया है कि जी मुझे ऊपर बिठाओ पहले। और अब हम लोग इफ्तारी का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 मिनट आ गए। अब हम लोग इफ्तारी का निज़ाम करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और चेक करते हैं कि जी आज इफ्तारी में क्या बना हुआ है। ये देखिए बंदर कहाँ पर चढ़ गया मेरे हाथ पे। कल तो आपने पकड़ा ही नहीं ना। ये देखें, ये मिठू ना, इफ्तारी का टाइम है, 6:05 हो गए हैं, 10:12 पे रोजा खुलने वाला है और ये मेरे जान नहीं छोड़ी। मिठू यार आजा नीचे यार, इफ्तारी का टाइम हो गया यार। ये देख, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, तेरी मेहरबानी, छोड़ दे मुझे, चल जा यहाँ पर आ जा। ये चले देखो, इसको पापा की डांट भी रहे। चलो चलो पापा के पास जाओ, चलो चलो, जाओ पापा के पास जाओ, आजा आजा, बाहर चले बाहर चले, चलो बाहर बाहर जाओ, पापा के साथ बाहर चले जाओ, बाहर चले, आजा मिठू आजा, बाहर चले बाहर चले बाहर, वो बात कितने नखरों से ही की। चलो तेरे तो बाहर लग जाओ, चलो मैं गिरा तो आ जाओ। ये देखे ये देखे ये देखें यार, पापा छोटे बच्चों की तरह मिठू का भाई का नजारा। लगता भाई बारिश हो रही है बाहर। ओहो ये देखा भाई, बारिश हो रही है। हाँ इससे बोर आ रही है बाहर बैठ कर, यहाँ सारा दिन बैठा ही रखो।
चलो आगे अजान। ये बोलता नहीं है, ये सिर्फ सिटियां सुटियां मारता है। चलें जी, चल और उतर जा। ये देखे इसके नखरा चेक किया जी, इसको जब तक इसको हमने बाइक का चक्कर ना लगवाना इस तरह नीचे नहीं बैठना आके। ये देखे इसका अभी भी काम देखे, बस का तो रजिया नहीं हले। हाँ मिठू गधे की ला, इसको सबसे ज्यादा मार मामा से पड़ती है, सबसे ज्यादा मामा को मारता है और इन दोनों का प्यार भी सबसे ज्यादा यहाँ पे। क्यों मिठू ले जी, हम आ गए हैं किचन में। ये क्या बना हुआ है? माजर फुली यशा करवा रही है हमें। और ये देखें जी, ये फ्राइज बन रही है। नहीं, हाँ। आलू की चिप्स। अच्छा जी, आलू की चिप्स फुलकड़ी। आपको तो पता ही हमारे पाकिस्तानियों के ना नाम बड़े मजे के होते हैं। चेक करते हैं जी हमारे पास इधर क्या क्या पड़ा हुआ है। पहले ही रायता, चलो आगे देखते हैं। वो ये केचप हैंडमेड है भाई, घर पे बनाई गई है। और ये आ गया जी हमारा सैलेड है, जिसको क्रीम चारो सैलेड टाइप कुछ बनाया है इन्होंने, और काफ़ी ये मुझे यमी यमी लग रहा है। और इसके अंदर क्या है? इसमें खजूरे हैं मेड इन दुबई, और ये मेड इन पाकिस्तान जो मुझे पसंद है। दोबारा चलते हैं इनके। ये हमारा बंदर वापस नीचे उतर गया है। चल अभी इधर ही बैठा रहा। मुझे तो नहीं ज़्यादा खाता आज ना। ये देखें जी अगेन, और ये देखें ये सालन बड़ा जबरदस्त लग रहा है शक्ल से। तो ये अब आ गया जी मिठू की बाड़ी। सबसे पहले मिठू का अवतार होने लगा, जिसको पापा अफतारी करवाने लगे हैं। ये खजूर कहाँ खाता है? मगर दिन भी पाई सी ने नहीं खाती शौक। ये हमारे घर का सबसे लाडला मेंबर है, जिसके ये देखे वो देखे कहाँ गया ये। अच्छे रहे हो अब हैं? हाँ हाँ, ये जान के करता सारा के ड्रामा। ये देखे अब मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा। मिठू क्या है? हेलो हेलो, नहीं खा रहा कुछ भी। ले जी हमारी इफ्तारी भी हो गई, और अब जान में जान भी आ गई। वापस हम लोग पूछ कर रहे हैं, ये सब हंस रही है। सही बात है यार, सुबह 4 बजे जाके सही रखी हुई है, शाम 6:15 बजे जाके खोल रहे हैं। प्यास की तो नहीं बात थी, लेकिन भूख तो लगती है यार। हाँ भी आप लोगों का कैसा रोजा निकला? अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में डेली रूटीन के साथ।